देहरादून में मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक गुरु नानक वेडिंग पॉइंट में हुई। परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मलिन बस्तियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 22 मई को कांग्रेस मुख्यालय से नगर निगम कूच किया जाएगा। इसके बाद मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। विकास परिषद की इस बैठक में मलिन बस्तियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश कर रही है, जिला प्रशासन नगर निगम MLA साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष की रणनीति बना रहे हैं। मलिन बस्तियां, उसका सबसे पुराना संगठन उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद है। 1996 में रहा हो, 1997 में रहा हो, 2002 में रहा हो, 2016 में रहा हो, 2017 में रहा हो, जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर संगठन कभी कोई संकट आया है तो हमारे संगठन ने हमेशा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। आज जब एक बार फिर मलिन बस्तियां संकट में है, मालिकाना हक की लड़ाई हम लोग कितनी पुरानी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा 2013 में भी कहा कि हम मालिकाना हक देंगे, 2018 में जब नगर निगम का चुनाव होता है तो मालिकाना हक की बात करते हैं, लेकिन आज मालिकाना हक देने की बात तो छोड़िए, मलिन बस्तियों का विकास का बात छोड़िए, मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश ये सरकार कर रही है।